बेटा नरेंद्र, खेल रत्न अवार्ड किसके नाम पर रखा गया है? गुरुजी, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। गलत जवाब, एक नाम भी नहीं जानते। गुरुजी, एक दिन ये नाम ही बदल दूंगा, मुझे इतिहास बदलना आता है। Many months later. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कौन नहीं जानता, उनसे बेहतर हॉकी का प्लेयर आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ है। मगर यह बहुत दुख की बात है कि जिस प्लेयर ने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, उसे जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं था। हालांकि इस खिलाड़ी के योगदान और काबिलियत के आगे बड़े से बड़ा इनाम छोटा लगता है, मगर फिर भी अब मेजर ध्यानचंद को चाहने वालों के लिए या पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने स्पोर्ट्स में दिए जाने वाले सबसे बड़े इनाम का नाम चेंज कर दिया है। इस अवार्ड को हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जानते थे, अब उसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि पहली बात, किसी भी स्पोर्ट्स अवार्ड का नाम किसी स्पोर्ट्समैन के नाम पर ही होना चाहिए। दूसरी बात, ये मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। बात तो सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास देश के लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए। मैं उनके विचारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आज से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इतनी खुशी। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ओपोजिशन चाहकर भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि फॉलोवर्स चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के, वो सभी मेजर ध्यानचंद को बहुत प्यार करते हैं। अगर ओपोजिशन वाले कुछ भी इसके खिलाफ बोलेंगे तो उनके फॉलोवर्स ही उनसे खफा हो जाएंगे, तो इसलिए पूरा ओपोजिशन एक तरह से भी शांत है। राहुल गांधी से भी मीडिया ने इस पर रिएक्शन मांगा था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। आपका इस पर क्या रिएक्शन है, जिस पर राहुल गांधी चुपचाप निकल गए? सर, खेल रत्न अवार्ड का जो नाम चेंज किया है आज, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है सर। प्रधानमंत्री जी ने तो सच में ओपोजिशन वालों को कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों हिला डाला ना? मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा डिसीजन आ जाए और कोई विरोध ना करे? अरे भाई साहब, जब जब पीएम ने कोई भी बड़ा डिसीजन लिया है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो, फिर भी कोई ना कोई इसका विरोध करता ही है। अब कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स, जिनमें से एक है दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम चेंज करके फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दीजिए। धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इरफान पठान ने भी अपने ट्वीट से यही संदेश देना चाहा है कि अगर नाम चेंज करके किसी स्पोर्ट्समैन का ही रखना है तो स्टेडियम के नाम भी स्पोर्ट्समैन के नाम पर ही होने चाहिए। और पीएम ने कुछ डिसीजन लिया हो और ध्रुव राठी उस पर रिस्पॉन्स ना दे, ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे समझ नहीं आता, इनका इतना बड़ा चैनल है, इनको इतनी वीडियोस बनानी होती है, तो इन्हें इतना टाइम कैसे मिल जाता है इतने सारे ट्वीट्स करने के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि मोदी स्टेडियम और जेटली स्टेडियम का नाम भी जल्द ही चेंज हो जाए। दोस्तों, आज हमारे देश, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी और उसके जादूगर स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद के लिए इतना बड़ा दिन है, और ये लोग आज भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। और जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम चेंज करो, ठीक है, होना चाहिए, कर दो चेंज, मगर आज जो सम्मान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मिल रहा है, उसका गौरव तो कम ना करें। और जहां तक बात है स्टेडियम के नाम बदलने की, तो ये स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे और सैकड़ों अवार्ड्स नहीं होते हैं। इस अवार्ड का नाम तो कम से कम स्पोर्ट्समैन के नाम पर होना चाहिए। दूसरी तरफ भारत में सैकड़ों स्टेडियम है जो अलग अलग लोगों के नाम पर है, तो एक अवार्ड और सैकड़ों स्टेडियम में आप कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत से स्टेडियम है और अचानक इनके नाम चेंज नहीं होते, होते भी है तो इन्हें बहुत टाइम लगता है। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। ठीक है, अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम चेंज होना चाहिए, लेकिन मिलकर डिसाइड तो कर लो कि स्टेडियम का नाम रखना किस पर है, स्पोर्ट्समैन पर या फिर पॉलिटिशियन पर। क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम चेंज करके वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दीजिए, दूसरी तरफ ध्रुव राठी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन का नाम रखना ही नहीं चाहिए। तो पहले मिलकर डिसाइड तो कर लो कि नाम किस पर रखना है, पॉलिटिशियन पर या फिर स्पोर्ट्समैन पर। हाँ, ये कर लो पहले। और कुछ लोग शायद ये भूल गए हैं कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी है, तो राजनेताओं के नाम पर स्टेडियम केवल पीएम नरेंद्र मोदी का ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड भी मिले, क्योंकि वो उसके पूरे हकदार है। और ऑपोजिशन जो इस बात को केवल पॉलिटिकल व्यू से देख रही है और सोच रही है कि हम हार गए या फिर पीएम नरेंद्र मोदी जीत गए या उन्होंने कोई बाजी मार ली, वो ऐसा ना सोचे, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेजर ध्यानचंद तो हमारे देश की शान है, उनके नाम पर तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।